हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे। आज है मंडे और आज का दिन की शुरुआत मेरी जो है 5:30 अर्ली मॉर्निंग से हो चुकी है। अभी हो चुके हैं 5:52 एंड मुझे जो है सुबह सुबह पहुंचना है आज हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा है 3 आवर वाला ग्लूकोज डायबिटीज ग्लूकोज टेस्ट उसके लिए। तो मैं चाहती हूँ सुबह सुबह जाके ही, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था लास्ट, आपने देखा होगा उस दिन। आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा। मुझे कोल्ड एंड कफ थोड़ा सा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, और भी काफी सारे चेंजेस हैं। आज ग्लूकोज टेस्ट होने के बाद में मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी अपना सारा एक्सपीरियंस कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अभी जो है आप बाहर का लुक लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना सुबह सुबह उठ के मुझे बहुत फ्रेशनेस लग रही है। As you can see, आपको दूर येलो येलो दिखाई दे रहा है, उधर से सनराइज हो रहा है। ये नॉर्थ फेस है और अभी मैं साउथ में जा रही हूँ, तो इधर में ये साउथ क्विंसली रोड है हमारा। तो एकदम बारिश हुई है रात को थोड़ी थोड़ी यहाँ पे, इसलिए वेदर ऐसा दिखाई दे रहा है, बट स्टिल जैसा भी है काफी खूबसूरत दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ सुबह का नज़ारा। तो अभी मुझे जो है 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाना है, लेट्स सी। और मैं अपना टेस्ट स्टार्ट करती हूँ वहाँ पे जाके, क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और आप जो मुझे इतना सारा कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सब मैं जरूर पूरी करूंगी। बस थोड़ा सा मेरा हेल्थ जो है ट्रैक पे आ जाए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं भी आप लोगों के साथ में अपने फोटोशूट, और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने रसगुल्ले लेके आई हूँ, तो हमने जेंडर रिवील की पार्टी का डिसाइड कर लिया है कि कब है, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में डेफिनेटली बताती हूँ कि किस दिन हम जेंडर रिवील करने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में, तब तक के लिए मैं सेफली ड्राइव कर लेती हूँ। पहुंच गई मैं हॉस्पिटल के यहाँ पे पार्किंग लॉट में, और पार्किंग एकदम खाली है, एज यू कैन सी नो वन इज हियर। और ये मेरा हॉस्पिटल, इतना बड़ा सारा, पीछे भी काफी सारी बिल्डिंग है इसमें। आई डोंट नो ये वाला एंट्रेंस जहाँ से मैं यूजुअली जाती हूँ ओपन है कि नहीं है, या मुझे इमरजेंसी वाले डिपार्टमेंट से जाना पड़ेगा, तो मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। एग्जैक्ट 6 o'clock हो चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे 6 o'clock पहला ब्लड ड्रा करा लेना था। Let's see. Okay, चलिए, ये तो बंद है, 8:30 बजे खुलेगा, मंडे टू फ्राइडे 8:30 या 6 o'clock, 6 a.m. to 4:30, okay, ये फाइनली ये ओपन ही है, बस पार्किंग में कोई नहीं है, थैंक गॉड, मुझे इतना नहीं चलना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है 6 बजे से 4:30 तक ये खुला रहेगा, लेकिन स्टूपिडिटी यही है कि अभी भी ये बंद ही है, और मैं इतना खुश हो रही थी, बाहर वाला डोर खाली खुला है, अभी भी मुझे चल के जाना पड़ेगा थ्रू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, थोड़ा सा लॉन्ग वे है बट आई विल मैनेज। तो फाइनली 6:15 एंड आई एम हियर, अभी टाइम 6:13 हो चुके हैं एज यू कैन सी। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें डन हो गई, और फर्स्ट राउंड के लिए मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे, और ये 3 आवर ग्लूकोज टेस्ट में 4 टाइम मेरा ब्लड ड्रॉ होगा, अभी जो एग्जैक्टली अभी होगा एक बार, उसके बाद वो मुझे ड्रिंक देंगे पीने के लिए, उसके 1 घंटे बाद होगा, और फिर ऐसा ही सेम रिपीट 1 घंटे बाद फिर होगा, ऐसा करके 4 बार टोटल मेरा जो है ब्लड स्कैनिंग होगा आज, और मुझे यहीं पे रहना है। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि वो लोग बाहर जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला मुझे, पर आई डोंट नो, मेरे लैब वालों से मैंने पूछा, उन्होंने मना किया है, और मुझे बहुत प्यास लगी है, उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए भी मना कर दिया है, मैं इसलिए अपनी बोतल साथ ले आई थी, उन्होंने बोला है 1 आवर के बाद आप ड्रिंक कर सकते हैं। ओह माय गॉड, मुझे बहुत, मेरा गला ना एकदम सूख रहा है, पता नहीं क्या। और यहीं पे ना एक मम्मीज रूम है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया वीडियो में, वो बोल रहे थे कि आपको वहाँ पे बैठना तो बैठ जाए, ये एक बार जब ब्लड ड्रॉ हो जाएगा तो मैं जाके वहाँ बैठ जाऊंगी ताकि मुझे रिलैक्स मिले। आज 4 ही घंटे में सो पाई हूँ, मेरी आंखों से मुझे खुद को लग रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। ओह माय गॉड, और बहुत लेट सोया है कल, और ऐसा हमेशा होता है जब भी हमें कुछ काम होता है ना, वो सोता ही नहीं है रात को। तो चलिए मैं पहला ब्लड ड्रा करा लेती हूँ अपना, उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। तो मेरा फर्स्ट ब्लड जो है ड्रॉ हो चुका है अभी एक बार का, और मुझे अभी जो है ना बहुत भयानक वाली नींद आ रही है, आई डोंट नो कैसे होगा। और अभी मुझे पानी पीने के लिए अभी मना किया है, बोला कि 1 घंटे के बाद आप फिर से एक सिप ले सकते हैं। अभी 6:20 हुए हैं, 7:20 पे सेकंड जो है वो होगा मेरा ड्रा, तब तक के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेशल रूम दिया हुआ है बैठने के लिए,
लैब के सामने ही, और उन्होंने वॉक करने के लिए भी मना किया कि जस्ट अवॉइड टू वॉक आउटसाइड, तो बाहर तो जाने का बात ही नहीं बनता। तो मैं अभी यही रहूंगी, 9:20 पे आई विल बी डन एंड उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। तो तबीयत मेरी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है, आई डोंट नो इज हैवी शुगर की वजह से कि क्या है। मुझे काफी लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत ही स्मूथ गई है, जस्ट अपेंडिक्स था मेरा, उसके बाद तो सब नॉर्मल था। मैंने लास्ट डे तक वर्क किया है, बट इस टाइम पे ना मुझे इतनी टायर्डनेस होती है कि कभी कभी मुझे खुद से पानी लेके तक पीने को मन नहीं करता है, और बस सोने को ही मन कर जा रहा है मेरा कि मैं सोती रहूं, लेकिन सोना भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सोने में भी बहुत ही ज्यादा डिसकंफर्टेबल हो रही है। उसकी मेरे पैरों में दर्द रहना और पता नहीं क्या 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 क्या, पैर ना इतना क्रैम्पिंग जैसा जो आता है ना, क्रैम्पिंग मुझे आरएफ के टाइम पे भी आती थी लेकिन अभी मुझे आ रही है, अजीब तरह की है ये, स्ट्रेचिंग जैसा होता है और बर्निंग होती है टोज में, जो नीचे का रहता है ना टोज, उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग होती है। और उसी की वजह से मैंने एसी भी चला लिया और फैन भी चला लिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कोल्ड जैसा मेरा गला बैठा बैठा सा लग रहा है मुझे। मेरे डॉक्टर को उस दिन में सैटरडे आई थी, उसके बाद मैंने जो है कॉल करके उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया है कोल्ड सिरप लेने के लिए। उन्होंने मुझे बोला है कि आप जो है कोल्ड सिरप ले सकते हैं, यहाँ पे ना डेक्विल नाइक्विल मिलती है, वो नहीं ले सकते, यानी कि एल्कोहलिक जो रहता है ना वो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और कोल्ड सिरप में मैंने अभी तक लिया नहीं, फिर भी वो मैं खरीद लाई थी वालग्रीन से, वालग्रीन के ब्रांड का ही मुझे मिला, लेकिन मैंने अभी तक लिया नहीं। रात को जो मुझे बहुत सीवरल पेन हो रहा था यहाँ पे और हेडेक हो रहा था मुझे, आई मीन यहाँ पे और बैक में, तो मैंने टैनो लिया रात को उठ के, और उसके बाद ही मुझे नींद आई है थोड़ी सी, वरना तो मेरा बहुत बुरी हालत हो गई थी। और अभी जो है ये 3 घंटे यहाँ पे बैठे रहना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आई विल इंजॉय माई टाइम वॉचिंग फोन और ये सब भी कर सकती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा देर तक तो मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको 1 घंटे बाद ब्लड ड्रॉ कराने के बाद में, अभी मैं थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ ऐसे ही, या फिर मैं सोने की ट्राई करती हूँ अगर मैं सो पाई तो चेयर पर भी बैठ के। सो अगेन माई सेकेंड वन इज डन एंड इट्स नाउ टर्न फॉर थर्ड वन, अभी हो गए 8:20। तो फाइनली अभी मेरा सेकेंड और थर्ड टाइम का हो चुका है, मैंने बैंडेज निकाल दी है क्योंकि उसने जो निकाली ना वो पहले वाली दूसरा वाला लेने के लिए काफी एकदम कर दिया, ये देखो ये वाला और यहाँ पे पहले लिया था तो ऐसा हो गया था, उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट में इसको निकाल देना, तो इसलिए मैंने पहले वाला निकाल दिया, अब इसकी बारी है फिर से। तो टोटल 3 बार हो चुका, अब चौथी बार ऑलरेडी थकान लगनी चालू हो गई है। मेरा प्लान था कि शायद मैं ब्लड ड्रा करके बाहर जा सकती हूँ, उन्होंने बोला नहीं आपको वॉकिंग और सब कुछ अवॉइड करना है क्योंकि वो जो है ना टेस्ट रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट पड़ता है उससे, क्योंकि आप ज्यादा मूवमेंट करो तो शुगर लेवल ऊपर नीचे पता नहीं क्या होता है, तो आपको रेस्ट ही करना है बैठ के। तो मैंने अभी तक टाइम पास किया, फोन वोन देखा और बीच में कॉल किया क्योंकि आरओ को उठाना भी था और ब्रेकफास्ट कराना था, तो मनोज को बोला एंड फाइन थैंक गॉड आज वो रोया नहीं कि मम्मी नहीं है। उसको मैंने कल से ही बोल दिया था कि मम्मी डॉक्टर के पास जाएगी, तो उसको अंडरस्टैंड हो गया कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अपॉइंटमेंट मेरे सैटरडे का ऑलरेडी डन हो चुकी थी और यहाँ का भी ऑलमोस्ट हो गया है मेरा टाइम, अभी 9:20 पे है, 9:10 हो गए हैं। तो अभी जो है मैंने सोचा आप लोगों से एक बार फाइनली बात कर लूँ। आज जो है ना एक्चुअली 2 दिन से ही आ गया था हमारा पैकेज, नेपाल से मेरे लिए एक पैकेज आ रहा है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे भेजा है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ उसको खोलने के लिए, क्योंकि उसमें जो है काफी सारी चीजें भेजी हैं उन्होंने, कोई हमारे फैमिली मेंबर थे वो आए थे वहां से तो उनके थ्रू उन्होंने भेजा है, तो वो मनोज के नाम पे ही पैकेज भेजा था तो वो ड्रॉप नहीं करके गए। मैंने उनको रिसीव करने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं आज जिसका नाम होता है वो अपनी आईडी पे आके यूएसपीएस से ले सकते हैं। तो अभी कल संडे था तो मनोज नहीं गए, सैटरडे को डिलीवरी थी, मनोज वर्किंग थे एंड देन मनोज अभी गए हैं वहां पे लेके आएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या क्या भेजा हुआ है उन्होंने। मैं खुद सुपर एक्साइटेड हूँ, इवन मैं तो चाहती थी कि आरव के सामने हो, बट आई नो कि आरव तो मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा, वो देखता रहेगा, उसको मैं बाद में दिखाऊंगी सब कुछ और आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करती हूँ घर पे जाते ही। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया मनोज को ब्रेकफास्ट बना के रखना क्योंकि यही मेरा टाइम होता है यूजुअली ब्रेकफास्ट का, और ऑलरेडी मैं जल्दी उठ गई थी तो मुझे अभी बहुत भूख लगी हुई है। चलो लेट्स सी यू देन एट होम। तो हियर आई एम बैक, मैं आ गई हूँ घर पे वापस और मेरा ये सब टेस्ट हो गया था, उसका रिजल्ट आ जाएगा कल तक, आई होप सब कुछ नॉर्मल हो। तो मनोज जो है पैकेज लेके आ गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन हो गया है, तो अभी मैं जो है इसको ओपन करती हूँ आप लोगों के सामने एकदम फ्रेश, मैंने छेड़ा भी नहीं है और देखते हैं क्या क्या है इसमें। वैसे तो उन्होंने मुझे बताया था क्या क्या है बट एक एक्साइटमेंट रहती ना सुनने में और रियल में देखने में, तो लेट्स सी।
एक्चुअली ना मैं इस बॉक्स को नीचे रख लेती हूँ तो काफी इजी रहेगा देखने में कि क्या क्या है। आई थिंक ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा सा, पता नहीं मुझे किस एंगल पे कैमरा रखूँ, देखती हूँ ऐसे ही ठीक है। हाँ तो ये उन्होंने एक भेजा है, सबसे ऊपर यही रखा है। पहले मैंने कहा कि किस तरह से पैक किया है, इस तरह से पैक किया हुआ है। तो सबसे ऊपर मुझे यही मिला, स्कार्फ जैसा है कुछ, पता नहीं किसके लिए है, मेरे लिए ही होगा या मन्नू के लिए होगा, पता नहीं मुझे। इस तरह से तो ये जो है एक साड़ी है, इस तरह से। मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजी है मेरे लिए। ये बहुत पसंद आई थी ये साड़ी, उन्होंने पहनी हुई थी तो मैंने बोला कि आप नहीं ले लेना, मैं पैसे दूंगी और मुझे जो है ये वाली साड़ी भेज देना। इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था और इस पे जो है ब्लू कलर और गोल्डन वर्क है, इस तरह से सुंदर ही लगेगा, मैं ये पहनूंगी जरूर। और उन्होंने जो है ब्लाउज बनवा के भेजे हैं इन साड़ी के लिए, लाइक ऑल पर्पस टाइप में ना, तो एक गोल्डन भेजा है उन्होंने, ये है। और काफी हैवी इसका वर्क है, अच्छा लग रहा है बहुत। पहन के मैं देखूंगी इसको, मुझे आएगा कि नहीं अभी। अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने उसको बोला था लूज ही स्टिच करने के लिए। तो एक तो ये है और एक ये वेलवेट के कपड़े में, जो उन्होंने मुझे एक नेपाली साड़ी भेजी हुई है पहले से, एक पैकेज पहले भी आया था उसका, मैंने एक्साइटमेंट में बॉक्स खोल दिया था तो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं शेयर कर दूंगी सारा सामान, तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये एक रेड कलर में वेलवेट में इसका कपड़ा है इस तरह से, और ये भी उन्होंने ऐसे भेजा है, बैक साइड में भी इसका हैवी वर्क है, काफी अच्छा है ये है। ओ ये छोटे बेबी के लिए कपड़े भेजे हैं उन्होंने, ओह सो क्यूट, मम्मी ने अपनी पसंद से भेजे हैं, पिंक कलर में भेजे हैं, आई विश। हाँ तो जेंडर रिवील की वीडियो की प्लानिंग हो चुकी है, तो हम लोग 31 को करने वाले हैं, एक वीक 2 वीक मोर है, आज से, आज मंडे है तो उस दिन भी मंडे ही है, 2 मोर वीक। तो गाइज स्टे ऑलवेज ट्यून, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, मुझे भी उतनी एक्साइटमेंट है जितनी आप लोगों को है। तो मेरी मदर इन लॉ ने अपने उससे अंदाजे से भेजा है पिंक कलर की ड्रेसेस, एंड ऐसे ही पता नहीं क्या है बेबी का, ओ कैप, कैप है ये बेबी की और ये पजामी है, ओह क्यूट। तो न्यू बोर्न बेबी के हिसाब से उन्होंने नेपाली कपड़े भेजे हैं, नेपाली ड्रेस है, वाओ इज लुकिंग सो क्यूट, आई लव इट दिस वन। अभी तक की सारी चीजों में मुझे ये पसंद आई है, आई लव इट, आई लव इट। ओह ओके, और सेम में उन्होंने पता नहीं 2 भेजे हैं, मैं पूछूंगी क्या है ये, आरव को तो नहीं आने वाला है, उन्होंने 2 जोड़ी भेज दिए क्या? आई थिंक आरव के लिए होगा ये, एक बड़ा साइज से थोड़ा लग रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे, मैं बात करती हूँ पूछती हूँ क्या है। तो 2 जोड़ी उन्होंने सेम कपड़े भेजे हैं, आरव को तो आने वाला नहीं है किसी भी हालत में, ऐसे ही कैप है और थोड़ा सा बड़ा साइज है सिर्फ उससे, बाकी सब कुछ सिमिलर ही है, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओह क्यूट, थैंक यू मम्मी। एक और ओके, ये 2 चाहे छोटे बेबी के लिए है और ये भी वही है, आई डोंट नो क्यों इतना सारा भेजा है उन्होंने, शायद भेज दिए होंगे एक्साइटमेंट में, मैं पूछती हूँ। ये भी सिमिलर है, डिजाइन थोड़े थोड़े अलग हैं और ये छोटे बच्चे का ही लग रहा है, एकदम छोटा सा ही है ये भी। आरव ने तो अभी तक नेपाली ड्रेस पहनी नहीं है, लेकिन लास्ट वाले पैकेज में उन्होंने हम सबके लिए नेपाली ड्रेस भेजी है, तो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरा फुल प्रेगनेंसी लुक होगा इंडियन ड्रेस में एंड नेपाली ड्रेस में एज वेल, तो मैं वो करूंगी, थोड़ा सा बेटर फील हो जाए, शुगर वाली प्रॉब्लम चली जाए। इसी मंथ में मैं सब कुछ कर लूंगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो ये 8 मंथ चल रहा है मेरा अभी, तो नेक्स्ट मंथ में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अभी सब कुछ करना होगा। ये भी छोटी सी कैप है, सिमिलर कपड़े हैं ये तो, ये उन्होंने एक स्टॉल टाइप में भेजा है, आई थिंक ये जो है ना टमी को रैप करने के लिए, बोल रही थी मम्मी कि टमी बांधना है आपने, तो एकदम प्योर कॉटन जैसा है, शायद उसके लिए भेजा हो, मुझे नहीं पता। ये सारी नेपाली चीजें हैं, उनकी ट्रेडिशनल, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या है। और उसके बाद है ये मेरे लिए नेपाली ड्रेस का, उनका एक और उन्होंने मेरे लिए ये भेजा है नेपाली ड्रेस पहनने का, पट्टू आई थिंक बोलते हैं ये लोग कुछ, मैं पहन के दिखाऊंगी पक्का नेक्स्ट वीडियो में, मैं पूरा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। हाँ और ये उसके ऊपर से पहनते हैं, हाँ इस तरह से ये पहनते हैं साइड में ऐसे दुपट्टा जैसा, और ये रहता है उसका चोली, मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये सब है और उसके बाद में बसती है ये पैकेज, इसमें जो है ना एक क्लोजर दिखाती हूँ अब आप लोगों को, इसमें जो मैंने है ना दवाई मंगाई है कुछ हारों को, वो ना खाना नहीं खाता था, दूध पे ही जी रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ भूख लगने वाली दवाई मंगवाई थी उनसे, तो 2-3 बोतल उन्होंने ये भेजी हैं सिफोन की, ये तो सेम यही बोतलें हैं ये, और
मैंने जो है उनसे मंगवाई थी, ये उन्होंने मेरे कुछ माइग्रेन की दवाइयाँ भेजी हैं आयुर्वेदिक वहाँ से लेके, और ये उनकी रिसिप्ट है, पूरा अच्छे से उन्होंने एकदम रिसिप्ट बना के भेजा है। तो इस तरह से इसमें तो सारी मेडिसिन है, ये मैं उनसे पूछ लूँगी मुझे कैसे कैसे लेनी है, क्योंकि इनमें कुछ तो नेपाली में लिखा हुआ है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये हो गया, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जो कि भेजी है उन्होंने कुछ ज्वेलरी आरव के लिए और हमारे लिए। तो छोटे बेबी के लिए और आरव के लिए ये उन्होंने जो है कड़े भेजे हैं, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। ओ वाह, इस तरह से इनमें तो रेड कलर का ही लगा हुआ है, एक आरव का है और एक छोटे बेबी का है, नजरिए टाइप में उनके यहाँ पे ऐसा ही पहनाते हैं, या आई थिंक ये टोज के होंगे, मुझे पता करना पड़ेगा ये भी। ये मैंने जो है आरव के लिए चांदी की एक चेन मंगवाई है उनसे, जाके आरव का जो लॉकेट है मैं उसको डेली पर्पज में इसमें डाल दूँ। आरव को हनुमान जी का लॉकेट पहनाया हुआ है, और इसमें क्या है, तो इसमें एक उन्होंने ताबीज़ के लिए दिया है, जो कि बच्चे की नाल रहती है ना, वो इसमें डाल के चांदी के इसमें पहना सकते हैं। और ये है यहाँ पे लॉकेट, ये गणेश जी का लॉकेट है, बहुत ही क्यूट। मैं आपको एकदम क्लोजअप में दिखाती हूँ तभी आपको समझ में आएगा, उन्होंने ऐसे करके, मैंने गणेश जी के मंगाए थे तो चांदी और सोने में दोनों में भेजे हैं, और ये मेरे पैरों के बीच में, तो मैं आपको एकदम क्लोजअपली दिखाती हूँ। ये देखिए गणेश जी का कितना प्यारा लॉकेट ये भेजा उन्होंने, मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। और ये भी हैं, ये चांदी में है, और ये मेरे पैरों के, मुझे सिंगल सिंगल वाले जो है बिछुए चाहिए थे, तो ये उन्होंने भेजे हैं। और ये हैं कड़े इस तरह से, ये उसकी चेन है। तो ये तो मैं मम्मी जी को दिखाना भी है, मैंने अभी तक तो उनको कॉल करा नहीं है कि क्या क्या है, वो बोल रही थी मुझे दिखा देना एक बार जब सामान आ जाएगा कि क्या क्या उन्होंने दिया था और क्या क्या आया है। ये पायल जो है मैंने अपनी नेबर की डॉटर के लिए मंगाई है, उनका कुछ फंक्शन था उसमें ये सब चीज़ें देते हैं, मैंने नहीं दिया था तो मैंने ये मंगाया है उनके लिए, सो क्यूट। तो इस तरह से ये दिखाई दे रही है, ये भी मैं आपको क्लोजर ही दिखाऊंगी तो ये अच्छा दिखेगा आई थिंक, सारी चीज़ों को सजा के एक बार। और ये मेरे मन्नू की सोने की चैन, मैंने उनको शादी में दी थी ये है, और ये जो है इतने प्यारे से बुद्धा जी की चेन जो है उन्होंने छोटे बेबी के लिए और आरव के लिए दोनों के लिए ही बनवा के भेजी है। तो ये हमारी शादी की रिंग, मैंने जो मन्नू को दी थी ये है वो रिंग, और एक चेन उन्होंने मेरे लिए भेजी है, या ये बेबीज के लिए है चेन, इनका बुद्धा बनाया है उन्होंने लॉकेट में, बहुत ही प्यारा है। और ये मनोज की शादी की चैन, और ये पायल है, और भी सामान है वो मैं अभी देखती हूँ क्या क्या है। तो ये था इनका क्लोजअप लुक सब सामान का, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो अभी आती है नेपाली ज्वेलरी, उन्होंने मेरे लिए भेजी है ये, जो कि इनकी बहुत ही फेमस होती है वहाँ पे, इसको ये लोग पोते बोलते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे करके तीन कलर में मंगाया है, ये ग्रीन में और ब्लू एंड रेड, ऐसे ही उन्होंने मुझे दो मंगलसूत्र भेजे हैं, एक तो ये छोटे वाला जो कि मैं इसको डेली बेसिस पे पहन सकती हूँ, और एक ये बड़े वाला उन्होंने मुझे भेजा है इस तरह से, जो कि मैं साड़ी वगैरह पे पहन सकती हूँ, और एक ये पायल भेजी है मेरे लिए। तो ये था सारी चीज़ें, और थोड़ा बहुत सामान और है जो कि मेकअप के रिलेटेड सामान है, ये तो नॉर्मल सामान है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे लिए भेजा है उन्होंने वहाँ से कि भाभी जी आपको मेकअप का इतना चूज़ करना नहीं आता, मैं आपके लिए चूज़ करके भेजूँगी, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम, आई लव यू सो मच, इतना मुझे अच्छा लग रहा है ना देख के ये सब कुछ। तो काफ़ी सारा सामान उन्होंने भेजा है, फाइनली हमने रिसीव कर लिया, एंड थैंक यू मम्मी, थैंक यू दीदी। चलिए आप लोग कैसी लगी ये वीडियो, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मेरे टेस्ट रिजल्ट जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ कैसा रहा मेरा शुगर टेस्ट लेवल क्या है अभी। तो डॉक्टर बोल रहे थे 3 आवर वाला यूजली नॉर्मल आ जाता है, तो लेट्स सी क्या होता है, बट स्टिल आई होप फॉर गुड एंड बी पॉजिटिव।
पॉजिटिव। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये सब पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पे बने रहना, ऐसे ही अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहना। और आने वाली वीडियो में मैं अपना लुक शेयर करूंगी जरूर आपको, नेपाली और इंडियन दोनों में ही। दूसरा जो अभी मैटरनिटी फोटोशूट भी होना बाकी है उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और बेबी जेंडर रिवील फाइनली इसी मंथ में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक की एक नई वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए और हैप्पी हैप्पी रहें। मैं भी ठीक हूँ, बट फेस से बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, लेकिन हम एकदम हैप्पी हैं, खुश हैं। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।